ये कहानी मेरी क्रिएशन है। एक बार में तो समझ नहीं आएगा, लेकिन यकीन मानो जब आप पूरा देखोगे तो ये कहानी आपके दिल को छुकर जाएगा। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। अरे साहब जी, आपको देर बिल्कुल भी नहीं हुई, आप टाइम से पहुंच गए ऑफिस। अरे ये ले पैसे। अरे साहब जी, आपने तो सिर्फ 5 रुपए दिए हैं, मैंने तो 20 रुपए बोला था ना। अच्छा जा, जो करना है कर ले, मैं तेरे को सिर्फ 5 रुपए दूंगा, हट रे भिखारी सामने से। अरे यार, सोचा था आज भाई के स्कूल की फीस दे दूंगा, लेकिन इन साहब ने तो पैसे ही नहीं दिए। चलो कोई बात नहीं, चलो दूसरों के कोरियर ही उनके घर पहुँचाए हैं, शायद ही कुछ पैसे मिल जाए। सही जगह पहुँचा हूँ, लोकेशन तो यही है। कौन हो, मेरे घर के सामने खड़े हो? अरे साहब जी, आपने ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर किया था, बस आपको वही देने आया हूँ। अरे साले निकम्मे, तेरे को टाइम का पता भी है कब आया है तू? लगता है तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं साहब, आप शिकायत मत करो वरना मालिक मेरे को काम से निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तेरे को कोरियर के एक भी पैसे नहीं दूंगा, सामान रख और निकल यहाँ से। ठीक है साहब, मैं जा रहा हूँ, आज मैं अपने भाई को क्या मुँह दिखाऊंगा। एक इंसान जो दिन रात मेहनत करता है, उसके इसी मेहनत से उसका गरीब घर चलता है, लेकिन एक गरीब की परवाह कौन करता है। चलो दोपहर का खाना खाने अपने घर तो मैं पहुंच ही गया हूँ, लेकिन यार मेरा भाई तो दिख नहीं रहा है। अरे राजू भैया, आप आ गए, कुछ पैसे का इंतजाम हुआ क्या? माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उनकी दवाइयाँ भी लानी है और कॉलेज की फीस भी भरना है भैया। अरे छोटे तू टेंशन मत ले, अभी तक पैसे का इंतजाम तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं शाम तक कर दूंगा, ठीक है? और मैं शाम के वक्त पैसों का इंतजाम करने के लिए बाहर आता हूँ, और तभी मेरे को जोर से लगती है, और मैं हल्का होने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, और जब मैं वापस आता हूँ तो मेरी गाड़ी तो कहीं दिख ही नहीं रही थी यार। और ये क्या, ये कौन है जो मेरी गाड़ी लेकर जा रहा है? ओए रुको भाई रुको। और मैं उस चोर का पीछा करने लगता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं थक कर हार जाता हूँ और वो गाड़ी लेकर चला जाता है, और तभी मेरे को एक फोन कॉल आता है। सुन ले राजू, मैंने ही तेरी गाड़ी को उठवाया है, क्योंकि तू मेरे पूरे पैसे नहीं दे रहा है। मेरे घर पे आकर मेरे पैसे दे और अपनी गाड़ी ले जा। और मैं बिना देरी किए राय साहब के घर पे आ जाता हूँ, और जैसे ही अंदर जाने लगता हूँ, अरे कौन है गरीब जो अंदर जा रहा है? अरे रमेश सुरेश, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे साथ पढ़ते थे ना। अरे चुप हो जा, जब पढ़ते थे तब पढ़ते थे, आज मुझको देख ले, खुद को देख ले, आज मैं राय सर के यहाँ काम करता हूँ और तू ऑटो चलाता है। गरीब साला चल निकल, राय साहब नदी पे गए हैं, वहीं तेरे को बुलाए हैं, तेरी औकात नहीं है उनके घर में जाने की। इस तरह एक कमजोर आदमी अपना आत्मविश्वास खोता है, सबके सामने तो नहीं पर अकेले में रोता है। ना जाने क्यों नहीं समझते लोग कि हर इंसान अपने आप में खास होता है। और मैं राय सर से मिलने के लिए नदी के पास आ जाता हूँ, और उनकी भाई 2 गाड़ियाँ पहले से खड़ी है, और ये देखो राय सर भी आ गए। अरे राय सर, आप मेरी गाड़ी दे दो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन आप मेरी गाड़ी तो दे दो। देख रे राजू, मैं तेरी गाड़ी भी दे दूंगा और तेरे को कुछ पैसे भी दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है राय साहब, मैं आपके काम के लिए पूरी जान लगा दूंगा। अच्छी बात है, तो तेरे को एक चोरी करना पड़ेगा। पुलिस वालों ने मेरा एक ट्रक जब्त कर लिया है, और उस ट्रक के अंदर करोड़ों के सामान है, बस तेरे को वो ट्रक पुलिस की आंखों के सामने से ले आना है, और जैसे ही तू ट्रक मेरे को देगा मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, और तेरी माँ की दवा और तेरे भाई का कॉलेज की फीस सब दे दूंगा, और मैं तेरे को लोकेशन सेंड कर दिया हूँ, जा लेकर। बीमार माँ और कमजोर भाई के अलावा क्या ही था उसके पास अपना कहने को, इसलिए वो न चाहते हुए भी मजबूर हो गया राय को हाँ कहने को। ठीक है साहब, मैं आपका काम कर दूंगा। समझदार हो, गाड़ी के पीछे मेरी एक बाइक है, उसको लेकर जा, जल्दी पहुँचेगा। करूँगा ये काम, मैं करूँगा, मेरे भाई और माँ के लिए मैं कुछ भी करूँगा, चाहे इसके लिए मेरे को चोरी ही क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं करूँगा। मजबूरी एक इंसान से हर कुछ कराता है, उसके सोच और समझ से बाहर लेकर जाता है। One eternity later. अरे राय सर ने तो यहीं का लोकेशन भेजा है, लेकिन यहाँ पर तो काफी ज्यादा पुलिस की सिक्योरिटी है, लगता है सारे लोग आगे ही सिक्योरिटी करने में लगे हैं। आइडिया, मैं पीछे से जाता हूँ। अरे यार, मैं पीछे वाले एरिया में आ तो गया हूँ, लेकिन इस लोहे की जाल को तोड़ूंगा कैसे? आइडिया। और इस लोहे की जाली पर मैंने काफी ज्यादा स्टिकी बम लगा दिया है और ब्लास्ट कर दिया है, और मेरा रास्ता क्लियर, और मैं इस तरह पीछे वाले एरिया से अंदर चला जाता हूँ और छिपते छिपाते ऊपर पहुँच जाता हूँ। अच्छा तो ये रही राय साहब की गोल्डन ट्रक, अब मैं इसे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा, और इस ट्रक का लॉक तोड़ने के बाद इसे स्टार्ट करके इस बिल्डिंग से इसे बाहर ले जाता हूँ। और ये क्या, पुलिस, लगता है पुलिस वालों को पता चल गया, मुझे किसी भी तरह इनसे बचकर यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं नहीं पकड़ा जा सकता, मैं नहीं पकड़ा जा सकता। वो जोर लगाएगा, बचना चाहेगा, पर नियति भी तो सच है, उसे कौन बदल पाएगा। और किसी तरह मैं पुलिस की आंखों से बचने के बाद राय साहब की बताई हुई लोकेशन पे ट्रक को लेकर आ जाता हूँ। अरे वाह राजू के बच्चे, तूने तो पूरा ट्रक ही ले आया, बहुत खूब, इसका मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या बोल रहे हैं साहब, मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। राय साहब ने बोला था कि अगर तू ट्रक ले आएगा तो तेरे को खूब सारे पैसे मिलेंगे और माँ का इलाज होगा। वो तो राय सर ने तेरे से झूठ बोला था, क्योंकि पुलिस वाले किसी न किसी तरीके तेरे पास तो पहुँच ही जाएंगे, इसलिए सबसे पहले तो तेरा इलाज करना पड़ेगा। पीछे देख। अरे नहीं, आप लोग ऐसा मत करिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरे भाई और माँ का ख्याल कौन रखेगा? नहीं। अरे मेरे सांस रुक रहा। और इस तरह उस गरीब राजू को वो लोग मिलके मार देते हैं।
अरे यार भैया को गए हुए काफी देर हो गए लेकिन अभी तक वो आए नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया। देखो मुझे लगता है कि स्टोरी मैंने बहुत ही अच्छी बनाई है, इसलिए आप लोग अभी तक देख रहे हैं। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है मेरे भाई।